नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज संडे है और संडे का अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में पहले देखिए, ये मेरी गोल्ड के प्लांट है। ये देखिए, मैंने इनको लगाया नहीं है, ये खुद ब खुद उठे उगे हुए हैं। और देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। और एक वाइट अपराजिता भी है, ये देखिए, ये भी खुद ब खुद उग कर उठा है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया था। अपराजिता प्लांट को मैंने यहाँ पर देखिए बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये देखिए। तो अपराजिता को प्रूनिंग करते वक्त बिल्कुल भी ना घबराएं, और अभी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मेरे गुलदावरी के प्लांट हैं। यहाँ मैंने तीन कटिंग लगा दिए थे, दो अलग अलग कलर के, जिनमें अभी कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए कृष्णचूड़ा, यहाँ पर देखिए नागचंपा, दो प्लांट है मेरे। और यहाँ पर देखिए कितने सारे खुद ब खुद उगे हुए हैं, ये यहाँ पर सीडलिंग टोरेनिया के। और यहाँ देसी बिन के दो तरह का है, बीच में वाइट डॉट और पिंक डॉट, दो अलग अलग कलर का है। और इस तरफ रेन लिली, इनका टाइम ख़त्म हो चुका है। और जरबेरा देखिए कितने अच्छे तरह से चल रहे हैं। यहाँ पर ये मैंने एक दो और ये तीन तीन पॉट को अलग किया है एक ही प्लांट से। और यहाँ पर पुदीना, ये देखिए, यहाँ पर मेरे ग्लैडियली है जिनको मैंने लगाया था अभी एक महीना ही हुआ होगा। और यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, दो स्टिक को मैं काट चुकी हूँ रजनीगंधा का। यहाँ पर ये देखिए, ये एक आ रहा है नया। और ये जो हाइब्रिड वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है। और यहाँ देखिए देखिए, आज संडे है और फूल ज़्यादा खिले नहीं हैं गुड़हल के। ये येलो कलर का फूल, ये थोड़ी लेट में ही खिलता है। कल देखिए ये पंचमुखी वाला रेड हिबिस्कस, देखिए बहुत बड़ा बड़ा खिला था। और यहाँ पर ये एक पिंक वाला खिला था। और ये रहे ऑरेंज, यहाँ पर दो खिले हैं, ये देखिए, ये थोड़े से अभी बड़े हो जाएंगे धूप आने पर। और इसमें भी फूल नहीं है, ये देखिए ऑरेंज में एक आएंगे, एक फूल खिलेगी, ये बहुत बड़ा फूल आता है इसमें। और देखिए ये छोटा सा प्लांट, इनमें भी एक कल खिला था। और ये मेरे प्यारा सा ब्लीडिंग हार्ट, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। यहाँ पर भी और दो हैं, ये देखिए। और देखिए ये अपराजिता, ये भी प्लांट सारे पतझड़ दे चुके हैं, इनको भी मैं प्रून करना चाहती हूँ, पर देखते हैं क्या करेंगे फिर। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो ही हिबिस्कस लगा रखे हैं जो मेरी बेटी लेके आई थी मेरे लिए। और यहाँ देखिए, ये मेरे सारे क्रोटन्स, यहाँ पर देखिए क्रोटन्स। सोच रही हूँ मैं इनको आंगन में ले जाऊँ नीचे। और ये देखिए बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर मेरे कलांचो, ये देखिए एक्सरा के एक कटिंग लगाई थी मैं, कितनी हैप्पी ब्रांचेस, बहुत अच्छी ब्रांच निकल के आए हैं इनमें। और ये है एक एक्सरा, इसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसमें ब्रांच ज़्यादा है पर इसका ग्रोथ थोड़ा कम है। इसके इसमें तीन ब्रांच हैं पर बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और यहाँ देखिए कैलेंचो,
ये देखिए ये कलियां आ रही हैं और यहाँ खिलना भी शुरू हो गया है। ये देखिए ये मेरे गार्डन का पहला कैलांचू का फूल है और इंतज़ार है ये प्लांट्स पे क्या फूल आएंगे। और ये एक मैं खरीद के लेके आई हूँ अभी, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ये सिंगोनियम मैंने काट दिए थे यहाँ से, तो यहाँ से ब्रांचेस आ रहे हैं और नीचे से भी ब्रांचेस आ रहे हैं। और यहाँ पर ये पिंक सिंगोनियम, इसका भी वही यहाँ से ब्रांच आ रहे हैं और यहाँ से भी एक ब्रांच आ रही है। और यहाँ पर देखिए मेरे और थोड़े गुलदावती हैं, ये देखिए मैंने ये पैकेट पे लगा रखे हैं। ये जो ग्रो बैग आते हैं, इन दो में लगा रखे हैं डहलिया और यहाँ पर गुलदावती। और ये बालसम की जाने की वक्त हो गया है, ये देखिए इस हफ्ते मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत सारे अभी भी फूल दे रहे हैं और सीड्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक अलमंडा और यहाँ देखिए अलमंडा, ये ऊंचाई पर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अलमंडा। और यहाँ देखिए ये पेंटास, आज संडे है, थोड़ी सी अभी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं इनको आज रिपॉट कर देने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर और लाल मिट्टी में लगी हुई है। इसकी तो मिट्टी में निकाल भी दिए क्योंकि ये पौधा ख़राब हो रहा था। और यहाँ देखिए मेरे कुछ छोटे प्लांटर्स में लगे हैं ये पर्पल हार्ट, वेलवेट सिंगोनियम, रियो और ये है वंडरिंग जियो। यहाँ पर देखिए ये मेरे गुलाब के सारे आ गए, अभी मेरे इस साल बहुत सारे गुलाब हो गए हैं। ये देखिए टाइगर रोज़ और ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल वेलवेट जैसे लग रहे हैं। और ये मिनिएचर वैरायटी का है, यहाँ पर देखिए ये खिल खिल रहे हैं। और यहाँ पर सारे मेरे गुलाब हैं, ये देखिए ये है देसी गुलाब, बहुत ही खूबसूरत होते हैं देसी गुलाब और बहुत खुशबू भी अच्छी आती है इनमें। और यहाँ पर एक दिखा दूँ, ये देखिए मेरे इंग्लिश रोज़, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर मेरे मार्बल पोथोस, यहाँ पर गोल्डन पोथोस मनी प्लांट, ये देखिए यहाँ पर जेड प्लांट, यहाँ देखिए ये मंडे विला पिंक वाला और एक वाइट मंडे विला, ये अभी गिर चुकी है एक हफ्ते के बाद। यहाँ पर और भी कलियाँ आ रही हैं, वाइट मंडे विला की ग्रोथ बहुत अच्छी है अभी हो रही है अभी। और यहाँ पर मेरे कुछ सीडलिंग्स लेकर आई थी जिसको लगा लिया है, ये कैलेंडुला और बिगोनिया का है, देखते हैं कैसे ग्रोथ करता है। और ये देखिए यहाँ पर मेरे कुछ फूल तोड़ के रखे हैं, ये हार सिंगार पारिजात का जो होता है, बहुत ही खुशबू इसकी अच्छी होती है। और यहाँ देखिए कल मैं गमले लेकर आई थी, इनमें से तीन टूट गए, बहुत बुरा लगा, क्या करें मिट्टी के गमले हैं, टूट तो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए विनका, हाइब्रिड विनका है, ये पिछले साल का है। यहाँ पर देखिए ये, हाँ सीडलिंग हो, यहाँ सीड गिर चुकी है, ये रहे सीड्स, देखिए कितने सारे सीड्स आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर डहलिया का दो प्लांट लेके आई थी मैं, और ये देखिए बॉटल प्लांटर्स में मेरे ये पर्पल हार्ट, यहाँ पर ये जो कोलियस है वो बहुत ही खूबसूरत है, ये कोलियस, ये देखिए ये कोलियस देखिए बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर मेरे ये फाइकस के जो प्लांट कटिंग्स लगाई थी, बहुत ही अच्छी तरह से घना हो रहा है, ये देखिए बहुत बुशी सा लुक आ रहा है इसका। यहाँ देखिए मेरे मोगरे के प्लांट्स, यहाँ देखिए ये देखिए मैं इनकी प्रूनिंग कर दी थी,
और इनमें कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं, ये देखिए ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कैनी, ये जो फ्लावर है बहुत ही बड़े होते हैं। यहाँ देखिए ये तो एक खिला भी है, स्टार मोगरा, देखिए एक दो फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर ऑरेंज टिकोमा, ये येलो टिकोमा बहुत सारे ब्लूमिंग कर चुका है। और यहाँ पर ये एक ऑरेंज टिकोमा है पर इसमें अभी तक कली नहीं आई है। और यहाँ पर एक है वेरीगेटेड है, ये देखिए वेरीगेटेड, जिसमें सेम आ रही है, ये जो सीड पॉड आ रही है, ये देखिए ये वाला टिकोमा बहुत ही प्यारा सा है, हाइब्रिड टिकोमा है। इनके बीच में थोड़ी सी वाइट जैसी होती है। और ये देखिए ये मधुमालती का हाइब्रिड प्लांट था, मैंने इसको कट कर दिया, इसकी ग्रोथ बहुत लेगी लेगी सा हो रहा था तो मैंने इनकी कटिंग कर ली, प्रूनिंग कर ली। और ये देखिए यहाँ कितने सारे ब्रांचेस निकल कर आ रही है। और ये पिंक चांदनी, यहाँ पर मेरे गुलदावती, ये देखिए आज मैं इनमें थोड़ी सी बनाना पील फर्टिलाइजर भी ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखिए भूटान टगर, यहाँ देखिए कुंदा, कुंदा का प्लांट, ये देखिए इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है अभी। और यहाँ मधुमालती जो बहुत फ्लावरिंग कर चुका है तो इसकी अभी प्रूनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी और कलियाँ हैं खिल जाएंगे तो मैं उसके बाद इनकी प्रूनिंग कर दूँगी। और यहाँ देखिए मेरीगोल्ड, ये देखिए ये हाइब्रिड मेरीगोल्ड है, ये देखिए हाइब्रिड, ये जो मेरीगोल्ड होता है इनमें पानी अगर डाल देंगे इनके ऊपर तो ऐसे हालत हो जाती है। तो सारे प्लांट्स को देते वक्त मैं इनमें भी पानी दे देती हूँ तो ऐसी हो रही है, तो इनकी थोड़ी सी प्लेस मैं चेंज करने वाली हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पर टोरेनिया खुद ब खुद सीड से उगे हुए हैं, ये देखिए, और ये बहुत सारे अभी भी खिल रहे हैं। ये देखिए मैं सोच रही थी इनको इसको थोड़ी सी प्रूनिंग कर दूँ इसकी, पर इनमें इतने सारे फूल आ रहे हैं, यह झुक गया है तो इसलिए मैं इतनी इसको प्रूनिंग करने वाली थी। और यहाँ पर देखिए ये मैंने कटिंग लगा दी थी, ये देखिए ये वाला, ये कटिंग लगा दी थी मैंने, और इसमें से बहुत सारे और खुद ब खुद भी उठे उगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लांट्स आए हुए हैं। और यहाँ पर मेरे सारे गुलदावरी हैं, देखिए बहुत ही अच्छे ग्रोथ पर हैं अभी, ये देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, थोड़ी सी केयर करने से ग्रोथ अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मिली, यूफोर्बिया मिली, ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर है। और इनकी मैं थोड़ी सी फर्टिलाइज इनमें दे दी थी तो ये अभी बहुत अच्छे ग्रोथ पर आ रहे हैं, अभी नए नए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, ये देखिए हालांकि ये समर का प्लांट होता है पर अभी भी खिल रहे हैं। और ये है मेरे गार्डन का नया यूफोर्बिया मिली, ये देखिए ये पिंक कलर का आता है, अभी कली है इसलिए ऐसे दिख रहा है, ये देखिए इस तरह का आएगा, ये झड़ चुके हैं फूल खिले थे तो इसकी भी अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पर मेरे एक्जोरा से देखिए, एक्जोरा भी बहुत कलियाँ आ रही हैं, बहुत सारे कलियाँ आ रही हैं, सारे टिप पर कलियाँ ही कलियाँ हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्जोरा बहुत ही मिनिएचर वाला एक्जोरा है, बहुत ही प्यारा सा एक्जोरा होता है ये। और यहाँ पर भी ये देखिए एडेनियम खिले हुए हैं, देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक विनका, देसी विनका है ये ऐसे ही उगाया था तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ पर था तो मैंने इसको नहीं निकाला। और यहाँ पर येलो एक्सरा, यहाँ पर और एक येलो एक्सरा, ये देखिए चंपा, चंपा में अभी यहाँ पर आ रही है, एक स्टॉक आ रही है, देखिए। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्लांट के
प्लांट के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं वीडियो बना दूँगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, फिर किसी नए वीडियो के संग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।